इरादे सैकड़ों बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। इरादे सैकड़ों बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। आज है 7 तारीख और आज हम लोगों का अजमेर शरीफ में दूसरा दिन है। हम लोग सभी जा रहे हैं तारागढ़ पहाड़ पर। तारागढ़ पहाड़ पर आप पैदल भी जा सकते हैं और यहाँ से आप गाड़ी भी भाड़ा कर सकते हैं। आपको आने जाने का भाड़ा 100 रुपया पड़ेगा। चूँकि अभी हम लोगों को पहाड़ पर चढ़ना है इसलिए अभी हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं घूमेंगे। वहाँ से लौटने के बाद हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा घूमेंगे। रास्ते में बाईं तरफ एक तालाब है और यहाँ से अभी हम लोग पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू करेंगे। हम लोगों को इसी टावर तक पहुंचना है। चप्पल खोल लीजिए, चप्पल खोल लीजिए, पैर स्लिप करेगा। ये वही चट्टान है जिसे ख्वाजा गरीब नवाज ने उंगली के 2 इशारे से रोके थे। हम लोग लगभग लगभग तारागढ़ पहाड़ तक पहुंच चुके हैं। अब्बा पहुंच गए, पहुंच गए। अभी आधा बाकी है। अब दिख रहा है। पता नहीं इन चट्टानों के बीच में कौन सा मसाला डाला गया है कि हजारों वर्षों से इसी तरह से अभी भी खड़ा है। इसी गेट से हम लोग अंदर जाएंगे। तारागढ़ पहाड़ पर जिस किले से जब आप अंदर जाइएगा तो आपको बाईं तरफ से आना सागर दिखाई देगा। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं ये आना सागर है और इसके बारे में भी बहुत प्रचलित कहानियां हैं जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते भी होंगे। फिर कभी किसी वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग ये बता देते हैं कि यहाँ से ये आना सागर आपको दिखेगा साफ साफ। इस गेट से जब आप अंदर आइएगा तो दाहिने तरफ से आपको मीरा सैयद हुसैन के दरगाह तक जाने का रास्ता मिलेगा। अभी हम लोग आ गए हैं मीरा सैयद हुसैन के दरगाह के अंदर। ये भी एक दरवाज़ा है जिससे आप दरगाह के अंदर आ सकते हैं। इस दरवाज़े के ठीक बगल में मुसाफिर खाना है। चलो ना दिखाते हैं। यहाँ पर भी इंतजार करने के सामने जो देख रहे हैं एक मुसाफिर खाना है, यहाँ भी ठहरा जा सकता है और इसके ठीक बगल से एक रास्ता है जहाँ से दरगाह के अंदर आया जा सकता है। सामने जो देख रहे हैं वो है सैयद मीरा हुसैन का मजार शरीफ। ये वही पेड़ है जिसका फल खाने से बे औलाद वालों को औलाद हो जाता है। लेडीज अंदर जाती है, जा सकती है, लेडीज जाती है अंदर? नहीं।
लेके जा रही ना। अब चलते हैं दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर ढूंढते ही बाईं तरफ ये जो मज़ार आप देख रहे हैं, ये मीरा सैयद हुसैन के घोड़े का मज़ार है। सलामी बोलो भैया, अपने लगा लो, सलामी बोलो, ये है घोड़े का मज़ार। ठीक है, ये है मीरा सैयद हुसैन का मजार शरीफ। कहाँ खींचो ना। मीरा सैयद हुसैन के मजार शरीफ से बाहर निकलने के बाद जो रास्ता बस स्टैंड की तरफ जाता है, उधर भी दो तीन मजार है, तो अभी हम लोग उधर ही निकलेंगे। चलिए निकलना ही है। ये एक मजार शरीफ है, चलना है। मेन गेट उधर से है क्या? इधर से ही है? यह है गाड़ी स्टैंड जहाँ से आप वापस अजमेर दरगाह तक जा सकते हैं। यहाँ से बाईं तरफ जो रास्ता जा रहा है, यह रास्ता जब आप आगे जाइएगा तो आपको आगे से एक रास्ता मिलेगा जो इस पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता है। 50 आना 50 जाना। आगे गेट पर से वापस नहीं जाएंगे, चलेंगे। जितने लोग शहीद हुए सब इनका मजा इधर में सबके। बोलत रही है कि ये है इमाम हुसैन का रोजा शरीफ। मजार से बीच में गांव सब किला टाइप का है। अभी हम लोग उतर रहे हैं, दूसरी तरफ से उतर रहे हैं, जिधर से चढ़े तो उधर से नहीं। अभी दूसरा रास्ता है, वो है पत्थर वाला रास्ता, और इधर कहा जाता है कि सीढ़ी वाला रास्ता है उतरने के लिए, तो सीढ़ी वाला रास्ता से अभी हम लोग उतर रहे हैं। ये है राजा महाराजा समय का कुआं, पोखरा कह लीजिए। हाँ, पोखरा, जहाँ पर लोग स्नान करते थे, नहाते थे, और वहाँ पर जो दिख रहा है वो गेट है। एक गेट है जहाँ से लोग अंदर आते थे नहाने के लिए। सामने जो दिख रहा है शायद हो सकता है किला है राजाओं का रहने का। भाई पता लगता है ना, 5 लाख
किला के ऊपर ये राजा महाराजा के समय का किला है। मोबाइल बंद हो गया रे। यहाँ से अन्ना सागर दिख रहा है। तो राजा लोग अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह का किला बना के रख देते हैं। अभी हम ऊपर चढ़ेंगे। इस टाइप से बना हुआ है। नीचे जाने का भी रास्ता है। देखते हैं नीचे क्या है। जो नीचे की तरफ जाता है कुछ दिखाई थोड़ी दे रहा है। देखा किनारे में खड़ा होकर स्टंट मार रहा है। अच्छा हम लोग वहाँ थे ना, उस किला से हम लोग आ रहे हैं। यहाँ से हम लोग आ रहे हैं और इधर से उतर रहे हैं। अब चला जाए आपकी दरिदे से। हाँ एक गेट अब निकलता है यहाँ से। ये हो गया निकलने का रास्ता। तब हम लोग किले पर से नीचे उतरते हुए और अजमेर सर उतर कर जाते हुए उतरने का रास्ता है। हम लोग किले पर सब तारागढ़ पहाड़ सब उतर रहे हैं हम लोग। জামাল লে যদি এক খাবারে মুটা না হন তাহলে তিনটিয়া দিব। যেই তুই এক খাবারে মুতুন লাগবে কিন্তু হে না না জামাল মুত বনা। হ্যাঁ এক খাবারে कहीं कहीं का वाइब्रेशन है तो आदमी तो चल ही रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कान लगाने पर घोड़ा का टाप का आवाज आता है। अरे यहाँ कान में घोड़ा टप टप का आवाज लगा देखो। राजा का नाम से बाला डल जाती है किसी का टूटा दिल ऐसे जुड़ जाती है। राजा के नाम से बाला डल जाती है किसी का टूटा दिल ऐसे जुड़ जाती है। भक्ति हुई मुसाफिर को मंजिल मिल जाता है। भक्ति हुई मुसाफिर को मंजिल मिल जाता है। रहमत का बादशाह से अगर मिल ना जाते हो दिल में ख्वाजा के नाम जपते रहो। ढाई दिन का झोपड़ा अभी जाएंगे उतरेंगे वहाँ पर तो जाएंगे। देखना भी सवाल है। पूरे अजमेर में ये ग्यारहवीं शरीफ की एक ही देगे भाई। दुआएं मांगकर डालो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए।
दुआएं मांगकर डालो, दुआएं कबूल होती हैं। ये वो दरबार है, नसीब वाले आते हैं, नसीब वाले ही डालते हैं और नसीब वालों का पैसा ही लंगर में लगता है। सरकार इनकी बड़ी आबाद रखना, इनकी मुश्किलों को आसान करना, इनको हर साल हर छठे महीने हाजिरी के लिए बुलाते रहना। मन्नत मुराद का भोला बंदा, सोना चांदी हसलियाँ पैसा इसी दिन में डाला जाता है। ये फरीद भाई के 1100 रुपए कबूल करना सरकार, इनकी बागवाड़ी आबाद रखना, इनकी परेशानियों को दूर। अभी हम लोग आ गए हैं ढाई दिन के झोपड़ा को अंदर से देखने के लिए। इस ढाई दिन के झोपड़े के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि ये ढाई दिन का झोपड़ा को अढ़ाई दिन के अंदर बनाया गया है, जबकि आप इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस ढाई दिन के झोपड़े को ढाई दिन में बनाना नामुमकिन है, क्योंकि इतनी बारीकी से यहाँ पर पत्थरों को तराश कर काम किया गया है जो ढाई दिन के अंदर बनाना संभव नहीं है। जब मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से इस ढाई दिन के झोपड़े के बारे में बात किया तो उनका कहना है कि एक बार ख्वाजा गरीब नवाज से यहाँ के राजा ने एक चैलेंज किया कि आप एक हांडी में कुछ बनाइए और ढाई दिन तक लंगर बांटिए, अगर आप ढाई दिन तक भी अगर लंगर बांट दिए तो हम आपको मान जाएंगे और ये जो स्थान है ये हम आपको मस्जिद के रूप में दे देंगे। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने वैसा ही किया, एक हांडी में कुछ बनाया और ढाई दिन क्या वो कई दिनों तक लंगर बढ़ता रहा लेकिन वो हांडी ख़त्म नहीं हो रहा था। तब वहाँ के राजा ने उनको मान लिया, उनकी ताकत को मान लिया और उन्होंने इस जगह को मस्जिद के रूप में उन्हें दे दिया, एक ऐसा मानना है। इधर तो 70 रुपया है अंदर में, 70 रुपया अंदर में। जब मैं इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च किया तो उसमें बताया गया है कि प्राचीन समय में एक हिंदू पाठशाला हुआ करता था जहां संस्कृत की पढ़ाई की जाती थी। जब मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उनका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे एक मस्जिद के रूप में बदल दिया और यह काम बहुत तेज़ी से हुआ और ये माना जाता है कि इसे ढाई दिन के अंदर पूरा किया गया था, यही कारण है कि इसे ढाई दिन का झोपड़ा नाम दिया गया। अब यहाँ पांचों वक्त नमाज पढ़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह ढाई दिन का झोपड़ा 344 स्तंभों से मिलकर बना हुआ है। गजब की कलाकृति है, पत्थर के चट्टानों पर यह डिजाइन तराशा गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। सामने वजू खाना है जहां लोग वजू बनाते हैं।
आज 9 तारीख है और आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ये सभी भीड़ इकट्ठा हुए हैं कल 10 तारीख को ख्वाजा गरीब नवाज का छठी शरीफ है उसी में शामिल होने के लिए। आज 10 तारीख है और अभी सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और आज ख्वाजा गरीब नवाज का छठी शरीफ है तो उसी में हम लोग शामिल होने के लिए आए हुए हैं। रुकिएगा रुके रहिएगा, बढ़ते जाइए भाई बढ़ते जाइए। अभी बज रहे तकरीबन 10 के और हम लोग आ चुके हैं मजार से बाहर। आज 12:05 में अजमेर शरीफ से हम लोगों का ट्रेन है तो अभी हम लोग रूम पर से निकलेंगे, देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह से फिर कब बुलावा आता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।